हर किसी को इस प्यारी सी दुनिया को कभी ना कभी छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये संसार का नियम है और इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो आज मैं इसी दुनिया को छोड़ गए हमारे सबसे प्यारे राजू श्रीवास्तव की जर्नी के बारे तो में इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के एक छोटे से शहर में हुआ। और राजू श्रीवास्तव जी अपना खर्चा चलाने के लिए ऑटो भी चलाया करते थे। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे ऑटो में लोगों को जोक सुनाया करते थे और इसी कारण उन्हें इस बात के लिए टिप भी मिला करती थी। और वे अपने स्ट्रगल के दिनों में बर्थडे पार्टी में जाकर भरपूर कॉमेडी किया करते थे और इसी कारण उन्हें 50 रुपए भी मिलते थे। राजू जी के कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें नौकरी मिलना शुरू हो गया, परंतु बीइंग अ कॉमेडियन उन्हें सिर्फ 50 रुपए ही मिलते थे। परंतु कुछ समय बाद वे द लाफ्टर चैलेंज में शामिल भी हुए और वहाँ के रनर अप कॉम्पिटिशन में गजोधर भैया के कैरेक्टर को पूरी अच्छी तरह से प्ले करने के लिए वे बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। वैसे ये मीम कितने लोगों को पसंद है। अरे हाँ भाई हाँ, सही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।